अलार्म लगा था सुबह 5 बजे का, लेकिन अपने आप से 4 बजे नींद खुल गई। तो पूरी तरह से नींद खुल जाए उसके लिए गर्म पानी पी लेते हैं और अपना पढ़ाई का सेशन शुरू करते हैं। तो आ जाता हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पर। सुबह सुबह फ्रेश माइंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम पे पूरी तरह से माइंड फ्रेश रहता है। और आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ पॉलिटी सेक्शन में इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आए थे 2020 में, कई सारे क्वेश्चंस आए थे। सो मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, अभी भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वो सही होगा सिर्फ और सिर्फ रिविज़न से, कई बार रिविज़न से और ढेर सारी प्रैक्टिस से। उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा तो उसमें भी क्वेश्चंस मेरे सही होंगे फिर। तो इस तरह से सुबह हो गई और एक ब्लैक कॉफ़ी, केले और ब्राउन ब्रेड खा के उसके बाद अब जिम के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह जिम करना, एक्सरसाइज करना या योगा करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा रहता है। मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ बहुत लाइट वेट, और थोड़ी बहुत इसकी वजह से डाइट भी मेंटेन रहती है। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करता हूँ। एक ब्रेड अमूल 27 वाला, वो 3 अंडे, अंडे 3 बस। अंडे रख दिए बॉयल होने के लिए और इसमें दूध रख दिए गर्म होने के लिए, और थोड़ी सी लापरवाही सारा काम खराब, आधे से ज़्यादा दूध तो नीचे बह गया। तो वही कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, और यहाँ पे अंडे अभी बॉयल हो ही रहे थे। नाश्ता बन गया हमारा, दूध है, चने फ्राई कर लिए, ब्रेड है, केला है और थोड़े से बादाम हुआ, भिगोया हुआ था रात का तो उसका छिलका निकाल लिया, और ये हमारे अंडे भी बॉयल हो गए। अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, फिर लाइब्रेरी निकलते हैं। और लाइब्रेरी में आने के बाद मैंने सोचा ऑनलाइन क्लास कर लूँ ऑप्शनल की, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि लाइब्रेरी में बैठ के स्पीकर पे सुने तो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ब्लूटूथ मेरे में चार्ज नहीं था। लक बाय चांस मेरे बैग में पॉलिटी की बुक पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा एक बार रिवाइज करके थोड़ा सा आंसर प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ, क्योंकि वापस रूम पे जाना और फिर से आना टाइम लग जाएगा। तो अब इससे अच्छा प्रैक्टिस, थोड़ी सी आंसर प्रैक्टिस करके लंच करके यहीं से फिर सीधा रूम पे चलेंगे, वहीं पे ऑप्शनल की क्लास कर लेंगे। तो अब चलते हैं लंच के लिए मेस, और आज हमारे मेस में बना है दाल, चावल, रोटी और सब्जी है आलू, शिमला मिर्च, गाजर, मिक्स वेज है आई थिंक, और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था आज खाना। और दोपहर का खाना मैं पहले खुद से ही खाना बनाता था दोपहर का भी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से अब मेस कर लिया हूँ, ताकि लाइब्रेरी से निकल के मेस जाऊँ, सीधा खाना खाऊँ, उसके बाद वापस लाइब्रेरी। वापस चलते हैं रूम पर और ऑप्शनल की क्लास रूम पर ही करेंगे आज। तो हमारी ऑप्शनल की क्लास शुरू हो चुकी है, लेक्चर से मैं नोट्स भी बनाता हूँ अपने खुद के नोट्स, और प्रिंटेड मटेरियल्स भी मेरे पास हैं, उससे भी मैं पढ़ता हूँ। और ऑप्शनल आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपको 300 मार्क्स एटलीस्ट फोकस करना है, 300+ मार्क्स पे। शाम के बज गए 5 और एनर्जी थोड़ी सी हो गई डाउन, तो एक कॉफ़ी बनाते हैं और 10-15 मिनट का रेस्ट लेकर के फिर अगला सेशन शुरू करेंगे।
तो ये हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई। और ये सेशन हमारा 3 घंटे चलेगा, आई थिंक 3-3.5 घंटे। और इस सेशन में मैं रिवाइज करने वाला हूँ इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, दो सेक्शन मेरा रिवीजन में चल रहा है और एक ऑप्शनल चल रहा है। तो इन्वायरमेंट में आज मैं पढ़ने वाला हूँ प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें कि प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे हर्ब्स, श्रब, ट्री, पैरासाइट्स, एपीफाइट्स, क्लिम्बर्स। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है इसको मैं रिवाइज़ कर ले रहा हूँ। मेरे कोचिंग में काफ़ी पहले पढ़ाया गया था, उसके नोट्स बने हुए हैं, सब अच्छे से याद है, बस एक बार रिवाइज करना रहता है। ये सेशन भी हो गया कंप्लीट और रात के बज गए 8। डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज सब्जी में तो है आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, सब कुछ है। एक हरी सब्जी लेकर आते हैं, तो चलते हैं मार्केट लेकर आते हैं जल्दी, फिर बनाते हैं खाना, क्योंकि लास्ट में अभी करंट अफेयर्स एक और पढ़ना है। बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया है और आज मार्केट से ले आऊँगा कोई ग्रीन सब्जी, और मुझे बीन्स पसंद है तो हफ्ते में 1-2 बार बीन्स बना लेता हूँ। सब्जी लेकर आने के बाद अब डिनर बना लेते हैं इसी वक्त, क्योंकि बना के पूरा फ्री हो जाएंगे खा के, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। लास्ट सेशन मेरा करंट अफेयर्स का ही रह गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ ही लिए हैं। तो इस टाइम पे आराम से बना लेंगे खाना। खाने में वही मैं बना रहा हूँ, आलू और बीन्स टमाटर की सब्जी। इस तरह से हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद बनाएंगे हम रोटी। चावल मैं बहुत कम खाता हूँ, रात में तो वैसे भी नहीं खाता, रात में लाइट भोजन ही करना चाहिए। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, देखने में ही क्या टेस्टी लग रहा है। और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल देता हूँ ताकि टेस्ट इसका और भी बढ़ जाए। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास करूँगा। So guys, thank you so much for watching. Bye bye.